कमरे में लिंग स्पर्श करवाना चाहते हैं? क्यों? जो काम आप बंद कमरे में करना चाहते हो उसकी चर्चा करो खुले में, लेकिन नहीं, बद रहो लेकिन बदनाम मत रहो, ये इनका फंडा है। मेरा फंडा बहुत ही अलग है, इसके विपरीत मेरा फंडा है। बदनाम होना मंजूर है लेकिन बद रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे बद नहीं रहना, मैं धूम्रपान नहीं करती, मैं शराब नहीं लेती, शराब नहीं पीती, मैं माल का सेवन नहीं करती हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैं धूम्रपान नहीं करती, लेकिन आप मुझे अपना आदर्श नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बद नहीं हूँ तो क्या, लेकिन बदनाम तो हूँ। ये फंडा मेरी समझ के बाहर है और इस तरह की घटिया सोच को मैं फ्लश करना चाहूंगी। देन ऐसे लोगों को नहीं चाहती सुनील जी कि ऐसे लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिन आपने एक्शन नहीं लिया, आप ऐसे नहीं चाहती कि ऐसे लोग जो हमारी इंडस्ट्री में ऐसे जैसे कि आपने कहा कि बद होकर घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं चाहते कि जेल की सलाखों के पीछे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब माइंडसेट चेंज होता है तब हृदय परिवर्तन होता है, तब पर्सनालिटी में निखार आती है, बदलाव आता है। मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड का जो कलेक्टिव माइंडसेट है उसमें बदलाव आए। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है ये ख़त्म हो जाए। इन्हें लगता है कि हम इनके बाप की जागीर हैं, जब मन चाहा अपना लिंग दिखाते हैं, जब मन चाहा अपना लिंग पकड़ाते हैं, जब मन चाहा डिनर के लिए बुलाते हैं। तो ये जो माइंडसेट है इनका, इसे बदलना होगा। और बदलाव कब आता है? जब हम हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं उस विषय पर, तब अवेयरनेस क्रिएट होती है और तब बदलाव आता है। तो आज उसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि उसे जेल हो जाए। चलो ठीक है, जेल जाकर बाहर निकल कर आएगा, वो कभी ना कभी तो उसकी सज़ा ख़त्म होगी, वो बाहर आएगा जेल से, उसके बाद क्या? साजिद खान जैसे कई लोग हैं इस समाज में, समाज का हृदय परिवर्तन हो। आप बोलते हैं अरे ये देखो जो लड़की खुद आंख प्रदर्शन करती है वो बात कर रही है समाज समाज में बदलाव लाने के लिए। हाँ, आंख प्रदर्शन करती हूँ मैं, कहाँ करती हूँ? अंतर्राष्ट्रीय अडल्ट वेबसाइट पर करती हूँ। अगर आपको पसंद है आप आए, सब्सक्रिप्शन लें और अडल्ट कंटेंट देखें मेरा। किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करती हूँ, इलीगल पदार्थों का सेवन नहीं करती हूं, मर्डर नहीं किया किसी का, कोई बैंक नहीं लूटा मैंने, अपने टैक्सेस टाइम पर पे करती हूं। तो दिक्कत क्या है? नहीं, आप कैसे बात कर सकती हैं, क्यों ना करूं मैं? नहीं, आप कैसे उंगली उठा सकती हैं, क्यों ना उठाऊं उंगली? क्योंकि मैं अडल्ट कंटेंट क्रिएटर हूं, इसका मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे कोई उसूल नहीं है, आदर्श नहीं है? शर्म तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स आपके हैं, मेरे नहीं है। दोगलापन आप में है, मुझ में नहीं है। मैं खुली किताब हूं, क्या आप बन सकते हैं खुली किताब? नहीं, आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पसंद है, आपको पसंद है बदनाम नहीं रहना और आपको पसंद है बद रहना, यानी छिद भी अपनी पट भी अपनी। मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद इस तरह जीना, एक नकाब पहनकर जीना मुझे नहीं पसंद। तो मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों के नकाब उतारे जाएं जो ये दिखाते हैं समाज को कि वो शरीफ हैं। जिस दिन शराफत का नकाब उनका उतर जाए ना, तब समझ में आएगा समाज को कि बॉलीवुड में शराफत कितनी है।
इतनी कम है कि आपको ताज्जुब होगा, आपको शर्म आने लगेगी ये जानकर कि बॉलीवुड असल में कैसा है। मैं यहां पर बैठी हूं बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए नहीं, मैं यहां पर बैठी हूं सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि आने वाले न्यू कमर्स के साथ शोषण ना हो, वो सतर्क होकर अपने प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए जाएं, वो जान लें अच्छी तरह से कि यहां पर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जो है जल्द से जल्द लोगों के सामने उनका जो नकाब है वो सामने आए। एंड इसके अलावा शलिन जी, इन दिनों एक वेब सीरीज आई है तांडव, आपने देखी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सीरीज पर, क्या कहना चाहेंगे? तांडव देखी मैंने और ऐसे कुछ सीन्स हैं तांडव में जिनमें हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया गया। मैं मानती हूँ कि मनोरंजन के लिए किसी भी धर्म के देवता को या देवी को हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी मनोरंजन के लिए क्या आप ऐसा करना सही समझते हैं? मैं नहीं समझती। देवी देवताओं का मजाक उड़ाना ज़रूरी नहीं होता, तो कृपया ये काम ना करें। फ्रांस में किसी टीचर ने मुसलमानों के प्रॉफिट को मुसलमानों के प्रॉफिट का एक कैरिकेचर बनाकर प्रेजेंटेशन दी अपने क्लास में, तो उसका गला काट दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि टॉलरेंस नाम की चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन हमारे देश में देवी देवताओं का अपमान होता है और हम चुपचाप सहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि हम सहन शक्ति जो हैं, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं और हम जिएं और जीने दें, हमें ये सीख दी जाती है। तो क्या हमारी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है? बेशक उठाया जा रहा है। और अब समय आ गया है कि हम बताएं इन लोगों को कि देखिए, अब आप हमारी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकते। अगर आप वार करेंगे तो हमें पलटवार करना पड़ेगा। आप हमारे सेंटिमेंट्स के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है। एंड एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल कि आज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है, जो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया एंड आपकी तरफ से विश अगर आपके लिए ना चाहें। आज अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतिहास रचाने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ सारे अमेरिकन्स के लिए। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ जो बाइडेन जी को, कमला हैरिस जी को। जहाँ लीडरशिप की बात होती है वहाँ पर हम सब ये मानते हैं कि एक अच्छा नेता वही कहलाता है जो समझदार हो, जो स्थिर हो, जो सुलझा हुआ हो, ना कि जो महामूर्ख हो। तो ये बड़ी बड़े गर्व और बड़ी खुशी की बात है आज अमेरिका के लिए, जो उन्हें एक सक्षम, स्थिर और समझदार, सुलझा हुआ इंसान मिला है एक नेता के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।